अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने कहा था कि काइंडली डेमो डालिएगा कि प्रोजेक्ट किस टाइप का है और क्या है। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट है, इसमें मैंने काफ़ी सारी डिफरेंट फंक्शनैलिटी डाली है जो कि हमारे फंक्शन रिक्वायरमेंट में शामिल नहीं थी, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे न्यू फीचर्स मैंने डाले हैं। अच्छा, इसमें देखिए मैंने क्या किया है कि चारों जो रोड्स हैं उन पर मैंने कुछ व्हीकल्स के लिए चेक बॉक्सेस रखे हैं। फॉर एग्जांपल रोड ए के लिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ लाइक कार, तो देखें यहाँ पर डेंसिटी भी उसकी आने लग जाएगी कि इस रोड पे कितनी व्हीकल्स मौजूद हैं लाइक बस। इसी तरह रोड बी के लिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ रोड सी के लिए और रोड डी के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने तीन तरह के बटन्स दिए हैं। एक तो स्टार्ट है, इसको स्टार्ट पर क्लिक करने से ये पूरा सिस्टम जो है ना वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेगा इस पूरे फंक्शंस को, कि वो खुद चेक करेगा कि कहाँ डेंसिटी ज़्यादा है ट्रैफिक की, तो वहाँ से उस ट्रैफिक को गुजरने देगा। और दूसरी एक्सेप्शन ये भी रखी है कि अगर कहीं पर भी इमरजेंसी कॉल हो जाए किसी भी रोड की तरफ, तो पहले उस साइड के ट्रैफिक को जो है वो जाने देगा। तो अगर मैं स्टार्ट पे अभी क्लिक करूँगा तो ये सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली काम करने लगेगा। इसके अलावा जब सिस्टम चल रहा है तो मैंने उसमें स्टॉप का फंक्शन भी रखा है कि किसी वजह से अगर हम चाहते हैं कि अपने सिस्टम को जो कि वर्किंग पोजीशन में हो उसको स्टॉप करना, तो स्टॉप के बटन पर क्लिक करने से वो रुक सकता है। इस वक्त अगर देखें तो ये स्टॉप का बटन मैंने जो है वो डिसेबल किया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट इसे मैंने डिसेबल रखा हुआ है। जब हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ही जो है ना ये इनेबल्ड हो सकेगा। अच्छा, तीसरा बटन यहाँ पर मैनुअल का रखा है। अगर मैं मैनुअल का बटन दबा दूंगा तो मैं मैन्युअली इस ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकता हूँ, यानी मैनुअल पे क्लिक करने के बाद मैं जिस साइड का ट्रैफिक पहले चाहूँगा वहाँ का ट्रैफिक गुजर सकेगा। अगर मैं मैनुअल को क्लिक करूँगा तो यहाँ देखें आप चारों रोड्स पर ये गो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये भी बटन है और इस वक्त ये भी डिसेबल फॉर्म में है। मैनुअल पे क्लिक करने के बाद ये इनेबल्ड होंगे। तो सबसे पहले मैं इसको ऑटोमेटिक सिचुएशन पर चलने देता हूँ। ये स्टार्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली जो है चलने लग गया। जहाँ डेंसिटी ज़्यादा थी पहले वो ट्रैफिक गई है, अब रोड बी पर ज़्यादा है तो वहाँ से गुजरेगी। अच्छा, इस पूरे फंक्शन के दौरान अगर मैं चाहूँ तो मैं ट्रैफिक मज़ीद किसी और साइड पे लाइक दिस मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ। इमरजेंसी को भी ज़रा कॉल कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इमरजेंसी कॉल की तो देखिए इमरजेंसी कॉल लिखा हुआ है। और जिस साइड से इमरजेंसी कॉल हुई हुई थी वो साइड अब गुजरने लग गई। मैं मज़ीद कुछ ट्रैफिक जो है वो ऐड कर लेता हूँ डिफरेंट साइड्स पर। और ये सिस्टम इसी तरह वर्क करता रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ मैंने इसमें ऐड की है वो ये कि ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है व्हीकल्स इंफॉर्मेशन। इसमें क्या है कि मैं माउस पॉइंटर को जिस व्हीकल के ऊपर भी लेके जाऊंगा, ये देखें उसकी इंफॉर्मेशन लिखी आ जाएगी कि वो कौन सी व्हीकल है और उसका उसकी नंबर प्लेट क्या है। इसी तरह बाइक पे आ गया तो यहाँ आए। ठीक है, मैं मज़ीद कुछ ट्रैफिक और ऐड करता हूँ। यहाँ लेके आए, यहाँ लाए, जिस व्हीकल पर भी लेके जाऊंगा उसकी इंफॉर्मेशन आएगी माउस पॉइंटर लेके जाने पर। माउस पॉइंटर हटाएंगे वो हाइड हो जाएगी, अगेन हाइड। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं इसको
स्टॉप करता हूँ, मैंने स्टॉप पे क्लिक कर दिया, ये सिस्टम अभी स्टॉप नहीं हुआ, ये जिस तरह जो चल रहा है वो चलेगा, पहले वो ट्रैफिक गुजर जाएगी, उसके बाद ये सिस्टम जो है ये रुक जाएगा। अब देखें इस वक्त ये रुक गया है, ठीक है, मैंने इसको स्टॉप कर दिया। अगेन मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये दोबारा से चलने लगेगा, ठीक है। मैं और कुछ व्हीकल्स भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इसको अगेन स्टार्ट पे ऑटो पे इसको भी फिर चला के आपको दिखाता हूँ। तो मैंने स्टार्ट पे क्लिक कर दिया, तो देखें स्टॉप का बटन जो है वो एक्टिव हो गया, तो मैं जब चाहूँ इसको स्टॉप करना स्टॉप कर सकता हूँ। मैं मजीद कुछ ट्रैफिक लेकर और कुछ फंक्शनैलिटी आपको दिखाता हूँ इसकी। अच्छा सपोज करें इस साइड पर मैं इमरजेंसी कॉल कर रहा हूँ और इस साइड पर भी इमरजेंसी कॉल करता हूँ, तो इनमें से कौन सी इमरजेंसी को पहले ही जाने देगा जहाँ पर इमरजेंसी के साथ साथ ट्रैफिक भी ज़्यादा है। ये देखें इस रोड पर इमरजेंसी के साथ ट्रैफिक भी ज़्यादा थी, तो पहले उस साइड को खोल देगा ये, ठीक है। मज़ीद मैं कुछ व्हीकल्स सेलेक्ट करता हूँ, अब देखें इमरजेंसी साइड पे सिर्फ कॉल हुई हुई है और यहाँ पे भी है, लेकिन ट्रैफिक यहाँ पे भी साथ ज़्यादा थी, इस वजह से उसने पहले वहाँ वाले को पहले जाने दिया। मैं मज़ीद कुछ ट्रैफिक ले लेता हूँ। अच्छा अब मैं मैनुअल पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मैंने मैनुअल पे क्लिक कर दिया, ये सिस्टम जो जैसे चल रहा है वो चलेगा, ठीक है। और चलने के बाद ये अब स्टॉप हो गया और आप देख सकते हैं ये जो गो के बटन थे ये एक्टिव हो गए हैं चारों साइड पर। अब मैं जिस साइड पे गो के बटन पे क्लिक करूँगा वहाँ से वो ट्रैफिक गुजरने लगेगा। अच्छा एक प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा मुझे फेस करनी पड़ी थी, बहरहाल उसका भी सोल्यूशन मिल गया था। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं है, तो मैं अगर गो का बटन क्लिक करता हूँ तो देखें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, ट्रैफिक यहाँ से नहीं गुजर सकती और ये सिग्नल भी एनिमेशन पे नहीं आया, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कोई भी एक ट्रैफिक भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और गो पे अगर अब क्लिक करता हूँ तो ये देखें अब ये चल गया। तो मैनुअल में हम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, जब मैनुअल पे मैंने क्लिक कर दिया उसके बाद। और वो रोड से गुजर गया एंड देन अगेन सिस्टम स्टॉप हो जाएगा। मैं मैन्युअली अगेन जहाँ से चाहूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ 3 हैं, यहाँ पर 4 व्हीकल्स हैं, यहाँ पर 5 व्हीकल्स हैं, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ अगर कि नहीं जी ये बहुत देर से रुके हुए हैं, तो ठीक है जी यहाँ मैं गो पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखें क्या होगा, इस साइड के व्हीकल्स जाने लग जाएंगे। और ये सिस्टम अगेन रुक जाएगा और जैसे ही मैं स्टार्ट के अगेन क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली दोबारा कंट्रोल में आ जाएगा। अब मैं मजीद की ट्रैफिक सेलेक्ट नहीं कर रहा, जब कंप्लीट पूरा ट्रैफिक गुजर जाएगा तो देखिए क्या होता है। जब कंप्लीट ट्रैफिक गुजर गया तो मैंने ये मैसेज बॉक्स शो करवाया जिसमें लिखा वुड यू लाइक टू क्लोज इट, यानी इस एप्लीकेशन को आप क्लोज करना चाहते हैं। अगर मैं अब यस पर क्लिक करूंगा तो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी और अगर नो पर क्लिक करूंगा तो ये एप्लीकेशन अगेन रीस्टार्ट होगी, क्लोज नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।